हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो ये वीडियो का जो प्रपोजल है ये आपको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम का अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कौन कौन चैप्टर जो है वो ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि सॉरी, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जेई एडवांस और जेई मेन ये दो एग्जाम कंप्लीट डिफरेंट है। जेई मेन में जो प्रिपरेशन आपने कर रखा था उसमें जेई मेन का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो वन कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा इट इज टू कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और जेई मेन के जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो दो ही टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट है। एक जिसमें कि आपको सिंगल ऑप्शन करेक्ट है यानी कि एमसीक्यू, और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें वो इंटीजर टाइप है। तो ये दो इंटीजर टाइप में हमारे पास जो है 5 क्वेश्चंस थे और इसमें जो है 20 क्वेश्चन थे इन इच सब्जेक्ट। तो टोटल आपको 75 यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन था जेई मेन में। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो 75 क्वेश्चन में जो बच्चे लगभग 43 to 45 के रेंज में होंगे उनको श्योर है कि वो एक अच्छे एनआईटी में इन कर जाएंगे इस लेवल पे जो जेई मेन आपने एग्जाम दिया है। बट जेई एडवांस जो है ये इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है क्योंकि जे एडवांस एग्जाम में सबसे पहले हमें ये पता नहीं है कि जो एग्जाम आने वाला है उसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। आसपास हमें गेस कर सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं कह सकते। जैसे जे मेन में ये प्री डिफाइंड था कि इतने ही होंगे, लेकिन जे एडवांस में फ्लोट रहता है ये हम आप जानते हैं। लास्ट 2, 3 इयर्स, 4 इयर्स के क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो वहां से आपको आइडिया ये मिल जाएगा। तो इसलिए जे एडवांस एग्जाम जो है ये कम्प्लीट है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा क्या सर 89 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के पास अगर हम होते हैं तो क्या मेरा जे एडवांस निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। ये आपके 2 साल के लास्ट 2 इयर्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपने जो टाइम बिताया है क्या उसमें जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन कंसेप्ट पे आपने वर्क किया है। और अगर किया है तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि लास्ट के 45 डेज 40 डेज में जो आप करोगे यू कैन डू द प्रैक्टिस। एंड जो लास्ट का 45 डेज है ये आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम बिताने का होगा। हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद द सब्जेक्ट व्हिच यू हैव स्पेंड द लास्ट 2 इयर्स। तो लास्ट 2 इयर्स में आप जैसे जैसे ग्रोन अप हुए होंगे 11th से लेकर के 12th तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे चैप्टर्स 11th के टाइम पे आप 12th का नहीं जान रहे थे। 12th के टाइम पे जो है आप जब कंप्लीट कर चुके हैं अब, तो अब आप सारे चैप्टर्स को जान रहे हैं। तो जो अब आपका माइंड का एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी ज्यादा है और आप हर चैप्टर के कंसेप्ट को जान रहे हैं। तो यू कैन थिंक बेटर देन जो कि आप 6 महीना साल भर पहले सोच पाते थे। तो इस चीज का एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा कि जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम तैयारी करते हैं तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा है जिसके बेसिस पे ये एनालिसिस वीडियो बनाया गया है आपको कि जेई एडवांस चैप्टर वाइज वेटेज आपको फिजिक्स में क्या क्या है, किस किस को इम्पोर्टेंस देना है। तो ये एनालिसिस 2015 टू 2021 के क्वेश्चन बेसिस पे है। 22 का क्वेश्चन जो है ये लास्ट एनालिसिस आप वेरी क्लोज है, यू कैन सी इट। तो 15 से 21 तक का जो जे एडवांस का पेपर हुआ है रफली उसमें आपको इच चैप्टर जो है 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे, और दैट विल बी इन द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स इंक्लूडेड हियर। सो 54 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे इन 3 आवर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है इसलिए क्योंकि 3 आवर्स आपका पेपर वन होगा और अगेन इट विल बी 3 आवर्स पेपर टू। बहुत सारे बच्चे जो है पेपर वन अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं लेकिन पेपर टू वो बहुत अच्छा कर लेते हैं क्योंकि उनका माइंड जो है वो कंट्रोल्ड रहता है, वहां पे वो कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं पेपर वन अगर अच्छा नहीं भी गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे वहीं टूट जाते हैं कि उनका पेपर वन अच्छा नहीं गया है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रेशर में रहते हैं और उसके कारण से वो जानते हुए चीज भी गलती करके आते हैं। तो ऐसे चीजों को हम ये कहेंगे कि जब तक आपका कंप्लीट दोनों पेपर नहीं हुआ है कोई भी चीज माइंड में मत सोचो, अपने आप को कमजोर मत बनाओ, और जो चीज आप कर सकते हो वो बेटर लेवल पे बेस्ट लेवल पे जो आपके अंदर नॉलेज है उस चीज को इम्प्लीमेंट कराई करिए वहां पे, सो दैट कि यू कैन राइट द बेटर एग्जाम एंड यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट ऑल्सो देयर। तो पेपर वन और पेपर टू का अगर मार्क्स देखा जाए तो ये आपका तीनों पेपर मिला के 360 है, जिसमें जो बच्चा अंडर 100 एक्सपेक्ट कर रहा है, अंडर 100 आने के लिए तो उसको 270 एंड एवव लाना होगा। जो बच्चा 500
में आना चाह रहा है कि टॉप 500 में हो तो उसका मार्क्स जो है 300 सॉरी 230 के आसपास होना चाहिए। और जो आपको ये रफ एस्टिमेशन है, इट इज नॉट एग्जैक्टली आई एम सेइंग यू दिस इज जस्ट एवरेज और रफ एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 7-8 ईयर्स ऑफ जे एडवांस पेपर एनालिसिस एंड द मार्क्स एनालिसिस। तो ये 1000 के बीच में, यानी कि 1000 में अगर आने का हो जिस बच्चे को, तो उसको कम से कम स्कोर करना होगा 200। और जो 10,000 में आएंगे, यानी कि टॉप 10,000 रेंज में आएंगे, उनका रफली मार्क्स एस्टिमेशन जो है वो है 120। तो 120 जो है, अगर हम देखते हैं तीनों पेपर मिला के, यानी कि 40 क्वेश्चन अगर हमें तीनों सब्जेक्ट में आ रहा है या 40 के आसपास आ रहा है, तो आपका 120 आ जाएगा। और 120 मार्क्स के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ अच्छे IITs कॉलेज है, जिस तरह से कि IIT BHU है, IIT रुड़की है, या IIT धनबाद ISM धनबाद है, या और भी कुछ IITs है जहाँ पे आपको ब्रांच का नहीं कहा जा सकता है, बट ये है कि IIT आपका इन हो जाएगा, IIT आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो रफली अगर हमें 500 में आना है, रफली दिस इज व्हाट, इफ इट इज इन टॉप 500 देन यू नीड टू गेट द मार्क 80+ आउट ऑफ 120 इन फिजिक्स। 80+ का मतलब है इट इज क्लोज टू 67% विच यू कैन गेट ऑफ। तो आउट ऑफ 100% 67% का मतलब है कि आपका फोकस जो होना चाहिए वो उन चैप्टर्स पे होना चाहिए जिन चैप्टर के वेटेज जो है ज्यादा है और फ्रीक्वेंट जे एडवांस उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जे एडवांस का अगर वेटेज चैप्टर वाइज हम देखें, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला करके 18 क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन इट इज हैविंग वेटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7.5%, काइनेमेटिक्स देन फोर्स फोर्स एंड मोशन 3.3%, वर्क पावर एनर्जी इट इज 1%, सेंटर ऑफ मास इट इज 4%, रोटेशन यू आर हैविंग 7.9%। तो अगर आप इनको यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से कर लेते हैं जो जे एडवांस लेवल है, और रोटेशन अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, तो पूरे मैकेनिक्स में रोटेशन अच्छे से करने का मतलब है यू मस्ट बी हैविंग आइडिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, फोर्स एंड काइनेमेटिक्स, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपके अच्छे होंगे तभी ये चैप्टर हमारे अच्छे हो सकते हैं। यानी कि इसी को टारगेट कर लिया जाए और इसमें जो जो चैप्टर्स के कंसेप्ट की जरूरत होगी उन सब चीज को क्लियर कर लिया जाए, तो आपका साथ ही साथ रोटेशन भी हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। तो रोटेशन से भागना नहीं है, रोटेशन को पूरा रोटेट करा देना है और उसमें जो है जो भी कंसेप्ट है उस चीज को जो है डाइजेस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्लूइड एंड इलास्टिसिटी से। फिर वही चीज है, आपको 7 के आसपास परसेंटेज है तो वेटेज यहाँ काफी अच्छा है। देन यू कैन सी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसका परसेंटेज वेटेज काफी अच्छा है। देन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैट ऑल्सो। और अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक्स और EMI की और AC की, तो इन दोनों का परसेंटेज वेटेज मिला करके 10% के आसपास हो रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैट का है। तो 12 के चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैग्नेटिक्स हो गया, AC इंडक्शन हो गया, इन तीनों चैप्टर्स को मिला लेंगे तो क्लोज टू इट इज मोर देन 20% वेटेज फिजिक्स में। और जो दो चैप्टर लास्ट का आप देख पा रहे हैं, ये भी दो चैप्टर से आपको 20% के आसपास है, यहाँ पे मोर देन 20% है। तो दिस इज एनालिसिस ऑफ द परसेंटेज वेटेज फॉर ऑल पेपर 1 पेपर 2 इंक्लूडेड फ्रॉम द ईयर 15 टू 2021। तो ये एनालिसिस से आपको ये चीज पता लगे जाएगा कि किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है और उसके कंसेप्ट जो भी जे एडवांस के लिए नीडेड है, क्या हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर PYQ बना के देखो क्या PYQ बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा है तो PYQ से ही आप अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखें और उसी डायरेक्शन के बेसिस पे आप अच्छा कर सकते हैं। ये जो एनालिसिस है इसमें क्वेश्चंस को दिखाया गया है, या पेपर 1 पेपर 2 मिला करके यूनिट एंड डायमेंशन में 3 क्वेश्चन, देन रोटेशन में भी 2 एंड 3 क्वेश्चन, देन फ्लूइड एंड इलास्टिसिटी में भी 3 क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में 3 4 टू 5 क्वेश्चन, देन इलेक्ट्रोस्टैट में 3 टू 4 क्वेश्चन। सो दीज आर द चैप्टर्स विच आई एम मार्किंग हियर, यू कैन सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल कैरी आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 26 क्वेश्चन, जो कि 36 क्वेश्चन अगर हमारा रहेगा पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, तो उसमें 26 क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो जो चैप्टर मार्क किया गया है यही 4 चैप्टर हैं जो कि 11th के एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट चैप्टर को हमने रखा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पे, सेकेंड को रोटेशन
देन यू कैन गो फॉर द फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी एंड देन यूनिट एंड डायमेंशन एंड द एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। अगर हम इसको कर लेते हैं तो इससे 12 से 13 क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेटली पेपर वन और पेपर टू मिला करके आ जाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स को, इलेक्ट्रोस्टैट को, ऑप्टिक्स को और इंडक्शन एंड एसी को करते हैं तो इससे भी लगभग 12 to 13 क्वेश्चन हमारा पेपर वन पेपर टू मिला के आ जाएगा। यानी कि इन दोनों पार्ट को अगर 11th को फोकस किया जाए और लास्ट के 40 डेज में बड़े आराम से आप इतने चीज, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है जो आप लास्ट 2 ईयर्स में पढ़े हैं और हर एक सेगमेंट में आप टाइम स्पेंड अगर करेंगे तो यू वॉन्ट गेट द मोर रिजल्ट, मोर क्वेश्चन सॉल्व ओवर देयर। दिस इज वॉट इट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर ए स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर द IIT और JEE एडवांस रिजल्ट। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप बिल्डअप करते हैं तो ऑब्वियसली आपके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और इसमें ये भी आसान हो जाएगा कि आपका सिलेबस एक लिमिट है, लिमिट हो चुका है, 4-4, 8 चैप्टर है मेनली, तो 8 चैप्टर को आप 5 डेज इंक्लूड करके भी अगर आप करते हैं जे एडवांस लेवल पे तो यू कैन डू इट एवरीथिंग इन द लास्ट नेक्स्ट 40 डेज। नाउ यू कैन सी व्हाट आई मार्क्ड हियर, 26 क्वेश्चन यू कैन मेक आउट ऑफ द 36 क्वेश्चन फ्रॉम द 8 चैप्टर अकाउंट ऑफ दिस वन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो 8 चैप्टर यहाँ मार्क किया गया है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन, फ्लूइड इलास्टिसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एक्सपेरिमेंटल, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स एंड इंडक्शन एंड एसी, तो इसमें हमें प्रिपरेशन ये एट चैप्टर्स में किस तरीके से हम करेंगे सो दैट की जे एडवांस मेरा निकलेगा। क्योंकि नेक्स्ट 40 डेज में हम वो चीज कर सकते हैं जो लास्ट के आप 6 मंथ में किए होंगे, या आपने 6 मंथ का अगर प्लान बनाते हैं तो 6 मंथ में जितना चीज हम कवर कर सकते हैं उसको नेक्स्ट कमिंग 40 डेज में कैसे करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं इस चीज को, वही बच्चे कर पाएंगे जिनका माइंड जो है स्टेबल है, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, मोबाइल का एप्लीकेशन पे यूजेबिलिटी अदर एक्टिविटी नहीं होता है, ओनली करियर लर्निंग के रिलेटेड काम को वो यूज करते हैं मोबाइल को, तो ऑब्वियसली उनको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल उनके लिए एक टूल्स हो जाएगा जिसको वो यूज करेंगे तो उनको कुछ ज्यादा नॉलेज अपने सब्जेक्ट और कंसर्न से रिलेटेड जो होगा उससे रिलेटेड आएगा। तो इसको करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि जेई एडवांस क्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है 40 डेज का, वो आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। और डेली रूटीन ये नहीं कि आप इतना बना लेंगे कि इम्पोज कर लेंगे अपने आप पे और डेली अपने आप को कोसते रहे कि मेरे से हो नहीं रहा है। तो रूटीन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और आप अगर रूटीन बनाते हैं तो उस रूटीन का आपको 100% जो है वो आप कर पाते हैं। दिस इज वॉट इट इज नीडेड। जो बच्चे इस चीज को कर लेंगे उन्हीं में उनमें ये बोला जाएगा कि आप जिस जगह पे हो वहां से एक अलग लेवल पे आप अपने में चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि ये जो 40 डेज है ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आप अभी जहां है वहां पे रिजल्ट नहीं है, लेकिन आप 40 डेज के बाद जहां होंगे वहां पे रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट लाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट कहाँ होता है ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट इज योर रिजल्ट, तो बिना ट्रांजिशन फेज गुजारे हुए वो रिजल्ट हो ही नहीं सकता। तो ट्रांजिशन फेज में आपको जो भी मिलेगा, by that time your mind should be cool, it is productive, it should be fixed, it should be rigid, it should be what you can say ki aapke mind ko koi bhi cheez attract nahi kar sake, koi bhi cheez attract nahi kar sake, then you can focus aur jab aap focus karoge to subject kya ye J advanced ka syllabus kya rahega koi bhi cheez aap kar sakte hain, focus chahiye aapko, फोकस जैसे ही बढ़ाओगे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगा, क्योंकि जे एडवांस के सिलेबस में उतना दम नहीं है जितना आपके माइंड में दम है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लर्न, लर्निंग आपका होना चाहिए। जे एडवांस का कंसेप्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, क्या हम उसके क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे तो कहाँ पे मुश्किलें आ रही है, किस कंसेप्ट में मुश्किल हो रहा है, टारगेट द ऑल कंसेप्ट व्हिच आई हैव गाइडेड यू एंड अकॉर्डिंगली आई होप कि इट विल बी बेटर। यू कैन गेट, इफ यू आर गेटिंग 26 मार्क्स, 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 36, इट विल बी मोर देन 80% ऑलमोस्ट, मोर देन 80% यू विल बी गेटिंग ओवर देयर। तो ये चीज के लिए हमने यहाँ पे मेजर किया, लिखा है इस चीज को कि हियर यू विल फोकस ऑन द रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल ऑफ द फिजिक्स विच इज नीडेड फॉर यू, विच इज ऑब्वियसली यू मस्ट बी हैविंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स यू आर स्पेंडिंग द टाइम फॉर जे एडवांस, सो यू मस्ट बी हैविंग द material, don't look here and there that any material if I'll get advantage, no,
व्हाट द मटेरियल यू हैव स्पेंड दैट फोकस दैट ओनली एंड लर्न फ्रॉम देयर ओनली नो नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ अदर मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्सेज इफ यू आर डूइंग दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम द मटेरियल व्हिच इज देयर इन योर हैंड बिकॉज 2 years बिफोर ओनली यू स्टार्टेड द एडवांस प्रिपरेशन सो बाय दैट टाइम एवरी मंथ यू आर हैविंग द एडवांस काइंड ऑफ लेवल of concept and question whatever you have spent the time just focus that only learn from there only and you will be able to crack JEE Advanced very efficiently bus only focus karna hai is cheez pe ki jo level of question hai kyunki JEE Advanced thoda sa alag exam isliye ho jata hai kyunki iske number of questions ke jo type hai wo inko important banata hai aur wahi difficult level hota hai bachchon ke liye ki itne type ke question aa rahe hain वहां पे अपने आप को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वहां वो डरने लगते हैं, वहां उनको थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी अनइजी फील होता है। क्या 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 टाइप ऑफ क्वेश्चन है? सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर मल्टीपल चॉइस जो है आपको रहेगा एमसीक्यू, फिर आपका जो है पैराग्राफ टाइप का रहेगा, तो पैराग्राफ टाइप में भी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड जो है पैराग्राफ बेस्ड रहते हैं। ये सब चीज क्या है, आपके माइंड को डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर आपने कंसेप्ट को सही से पढ़ रखा है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मैट्रिक्स 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 एंड देन इंटीजर 0 to 9 इंटीजर टाइप, दिस इज समवॉट डिफरेंट इंटीजर टाइप फ्रॉम द जेई मेन। तो इस केस में इतने टाइप के क्वेश्चन में बच्चे जो है फिर बहुत सारे अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि मैं तो सिंगल ला ही करूंगा, मैं तो मल्टीपल को टच नहीं करूंगा। ये सब चीज को छोड़ दो, फिर नहीं कर पाओगे आप वो चीज करेंगे। क्वेश्चन का टाइप कोई भी हो उसको नहीं सोचना है, हम कंसेप्ट को सोचेंगे और क्वेश्चन को तब तोड़ेंगे, क्वेश्चन तब बनेगा। तो कंसेप्ट पे फोकस करना है, ना कि टाइप क्या दिया हुआ है। अगर आप कंसेप्ट जान रहे हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, पहले ये सोचना जरूरी है तभी हम कर पाएंगे। तो जेई एडवांस के क्रैकिंग के लिए क्या क्वेश्चन के टाइप के बेसिस पे हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर हम डर रहे हैं तो इसका मतलब है हम कंफर्ट जोन में हैं और हम मेहनत से भाग रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम उसके क्वेश्चंस के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब हम में एबिलिटी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन तो वही है, उतने 10,000 बच्चे जो टॉप 10,000 20,000 बच्चे हर साल एडमिशन ले रहे हैं IIT में, वो मैजिक करके आते हैं क्या? तो मैजिक नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंसेप्ट को सीखते हैं। यू कैन ऑल्सो थिंक, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द कंसेप्ट, लर्न अबाउट द कंसेप्ट। तो कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा होगा तो वो इस लेवल पे बिल्ड करना चाहे अभी नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 2 साल JEE एडवांस का प्रिपरेशन किया है, बिल्कुल आप गाइडेड हो रहे हैं किसी भी जगह से, तो ऑब्वियसली यू आर हैविंग द मटेरियल एंड यू आर हैविंग द कंटेंट व्हिच इज मेंशन इन योर नोटबुक, एवरीथिंग यू हैव रिटन अबाउट what the chapter I have marked here, just focus that chapter, that much chapter, in and out means उस पूरे अपने आप को एक isolated system बना लो, ना तो energy आने दो ना बाहर जाने दो, मतलब आप disturb नहीं हो रहे, you are not getting disturbed, and in that situation, whatever the concept written in your notebook, you can implement it, and you can finish in within time that concept and practice जो copy में बताया गया है उसको एक दिन में करना है, एक chapter का, एक दिन में एक chapter खत्म, एक subject का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 8 चैप्टर मार्क किया है, 8 चैप्टर के थ्योरी पार्ट और 8 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पार्ट है कॉपी में, वो हमें 10 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। और फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो हर चैप्टर में आप 3 आवर्स to 5 आवर्स आप स्पेंड करेंगे उसके PYQs पे, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो ऑब्वियस ही बात है आपका पूरा का पूरा मटेरियल गो थ्रू हो गया, कंसेप्ट जो है फिर से रिवाइव हो चुका है, आप इनर्जाइज हो चुके हैं, आपका जैसे इनर्जी लेवल मेंटेन होगा PYQ बनना शुरू होगा। PYQ में अगर 100% नहीं बन रहा है तो उसमें भी हताश नहीं होना है, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग यू 100% की जरूरत है ही नहीं सिलेक्शन के लिए। तो आपको यहाँ पे 120 पे हो रहा है सिलेक्शन, आप 10,000 में है, 10,000 मतलब जो लास्ट के 3 लाख बच्चे जेई मेन क्वालिफाई कर रहे हैं, 3 लाख बच्चे में आप 10,000 में आ रहे हैं। इट इज वेरी गुड, नॉट गुड, इट इज वेरी गुड कि जेई मेन जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उस जेई मेन के क्वालिफाई में से हम 10,000 में अगर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इट इज नॉट एज मच इजी एज इजी। और जो और भी अच्छा चाह रहे हैं तो ऑब्वियस है उनको और इफर्ट भी तो चाहिए, वैसा ये चीज दिमाग में रखो।
अगर हमको और अच्छा चाहिए, आप जिस लेवल पे बिल्डअप कर सकते हैं, बट सिलेक्शन तो 100% 10,000 में आप ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 40 मार्क्स इन ईच पेपर, जो जेई मेन में 85+ परसेंटाइल पे होगा, वो बच्चा अगर एडवांस लेवल पे लास्ट के 2 साल काम किया है तो 100% वो 120 मार्क्स ला सकता है। इतना एम्पल टाइम अभी है, अभी है, इतना एम्पल टाइम अभी है। और अगर आप यूटिलाइज करने लगो टाइम को, तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एडवांस इन 2023। और इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे, और यही स्ट्रेटजी आप अदर सब्जेक्ट में भी अपनाइए तो ऑब्वियसली यू कैन डू वेरी वेल इन जेई एडवांस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।